4.4 पढ़ेंगे, 4.3 के तीनों क्वेश्चन कर लेना और फोर्थ वाला छोड़ देना, पर 4.4 पढ़ेंगे। 4.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, आपको सेटअप करना है क्वेश्चन को, आपको सोचना है कैसे करना है नंबर विथ केसेस, मतलब आपको एक बार क्वेश्चन बनाने फिर सोल्व करना है। जैसे क्या है, 8 to 4 to 8 टाइम्स ए नंबर यू गेट 60, मतलब आपको एट किसी नंबर को 8 टाइम्स 4 में ऐड करना है, तो 8x प्लस 4 बराबर आपको क्या मिला 60। तो आप इस ये आपको इक्वेशन बन गई, आप इसको सोल्व करो 8x बराबर 60 माइनस 4, जैसे आप इसको सोल्व करते वैसे 4 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 60 माइनस 4, तो 8x बराबर 56, 60 में से 4 गया तो x बराबर 56 में से 8 गया तो कितना हो गया बेटा 7। जब यह दे रखा है 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 4 गिव्स ए 3, 1/5 एक्स अपन 5 माइनस 4 नंबर क्या मिला बेटा 3। बहुत ही ईजी है, आपको इक्वेशन मैंने आपको 4.2 में भी दिया था, ये आपको बनानी है। तो एक्स अपन 5 बराबर 3 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 7, एक्स अपन 5 बराबर 7, तो एक्स बराबर 7 इंटू 5 कितना आ गया बेटा 35। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, दो मैंने बताया, नेक्स्ट आपको करना है और आपको सॉल्यूशन भी निकालना है। अब अपन 4.4 का सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें भी इक्वेशन बनानी है, देख टीचर सेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर बेटा 87, और स्टूडेंट ने हर क्लास बेटा जो लोएस्ट है वो है 20 है, 20 मतलब कोई नंबर नहीं दे रखा, 20 नंबर दे रखा है और उसमें हमको 7 प्लस करना है। तो इक्वेशन बनेगी बेटा, सुनना ध्यान से, हाईएस्ट मार्क्स है 87, लोएस्ट मार्क्स है 20, तो मतलब 2x, अगर 1 होता तो 1x होता, 20 है इसलिए 2x है, 20 का मतलब डबल होता है, तो पहले बता देती हूँ, डबल बराबर 2 मतलब, तो 2x और प्लस कितना करना है 87, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 7 बराबर 87। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, अभी भाई मैं ही बताऊंगी आपको सोल्व करके, 2x बराबर 87 माइनस 7, 2x बराबर 87 में से 80, x बराबर 80 में से 2 गया तो कितना बचा 40। नाइस, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो ये आपका, ये सारी आपकी इक्वेशन बन गई। सेकंड क्वेश्चन बी, इसोसेलस ट्राइंगल है, बेसिक आर एंगल इक्वल, दो एंगल उसमें एक सेम होते हैं, द वर्टेक्स एंगल इज 40, तो वॉट इज द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल, बेस क्या होगा उसका, रिमेंबर 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ 180, देखो मैं बताती हूँ आपको, देन टोटल एन का 180 डिग्री वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री, दो एंगल आपको बताने हैं, दो एंगल को आपको बताना है कितने हैं, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2b प्लस 40 बराबर 180, क्योंकि दो एंगल दो, मतलब आपको पता है इसोसेलस में दो सेम होती है, इसलिए 2b लिखा मैंने, b मान लो आप या फिर कुछ भी x मान लेते तो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, 2b प्लस 40, तो 40 आपका वर्टेक्स एंगल है इसलिए, और बराबर तीन एंगलों का टोटल कितना होता है 180। अब आप इसको सोल्व करोगे 2b बराबर 180 में से 40 गया कितना बचा 40, b बराबर 140 अपॉन 2 तो बराबर 70 डिग्री, आपका 140 में से 2 का डिवाइड क्या आंसर आया 70, तो एक एंगल कितने का 70, दूसरा 70 और तीसरा 40, 70 140 प्लस 40 180, टोटल आ गया तीनों एंगल का मान, ये आपका। इसका नेक्स्ट सी वाला आप करोगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, 4.3 4.4 भी आपकी कंप्लीट हुई, थैंक यू।